नमस्कार, मैं सीमा लाइट ऑफ नेशन से ऑल इंडिया रिपोर्टर कैमरामैन मोहन हंस के साथ आज हम आपको ले चल रहे हैं हिमाचल के उस खूबसूरत शहर मनाली में, जहाँ की हसीन वादियाँ या जहाँ की हसीन जो घूमने के स्थान है किसी से छुपा नहीं है। आज हम खड़े हैं माँ हडिम्बा के मंदिर में, जो मनाली के बीच में प्रसिद्ध और बहुत ही मान्य है अपने आप में, जिसकी स्थापना सन 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। यहाँ पे जिस मंदिर के सामने आज हम खड़े हैं वो माता हडिम्बा का मंदिर है, जिसको कि कुल्लू में सारे दादी माँ के नाम से जानते थे। आज कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पे जो कुल्लू दशहरा मनाया जाता है वह भी माता हडिम्बा के बिना पूरा नहीं होता, जब तक माँ हडिम्बा उसमें जाते नहीं हैं। आज हम आपको यहाँ पे उन सारे दर्शकों और उन सारे पर्यटकों से मिलवाने वाले हैं जो दूर दूर से अपने दिल में एक श्रद्धा लेके आ रहे हैं। आज हम जानेंगे जहाँ पे एक और हमारे समाज में विश्वास भगवान के प्रति या हमारे संस्कारों के प्रति कम होता जा रहा है, वह जहाँ पे आज छोटे छोटे युवा और हर एज के लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे जानेंगे उनका एक मैसेज उन युवाओं के लिए जो इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी यहाँ पे जो भी उपस्थित है श्रद्धालु लाइट ऑफ नेशन के जरिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी है, और अभी से नहीं है, सुबह 5 बजे से लोग यहाँ भीड़ में इकट्ठे हुए हैं। अभी हम खड़े हैं मंदिर के उस दरवाजे पे जहाँ से सारे लोग अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये छोटी सी मुलाकात यहाँ से खड़े से बालों का। हेलो, हम लाइट ऑफ नेशन से ऑल इंडिया रिपोर्टर हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे, कहाँ से हो आप? मैं कलकत्ता से। आप कलकत्ता से हो, यहाँ पे घूमने आए हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत पहली बार आए हो? पहले नहीं, पहली बार। शादी के बाद हम लोग पहले आए हैं। बहुत सुंदर प्लेस है, इतना ग्रीन के अंदर इतना अच्छा एक मंदिर, बहुत अच्छा लगा। अरे, आप जिस मंदिर में आए हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। पहले तो बताइए कि इस मंदिर में आपको कैसे लगा थे? ये तो हडिम्बा टेम्पल में हम लोग आए हैं। और क्या पता इस मंदिर में आके आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मूर्ति जो है इतना छोटे के अंदर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और लाइन से सब काम हो रहा है, बहुत सुंदर है। और आप एक मैसेज दीजिए अपनी तरफ से, कलकत्ता वालों की तरफ से, हमारी पूरी पब्लिक को, क्या देना है? यही बोलेंगे कि आप जरूर आइए हिमाचल प्रदेश में, आइए स्पेशली मनाली में आइए। बहुत सुंदर सिटी है, ग्रीन सिटी है, क्लीन सिटी है, और आके और भी इसका शोभा बढ़ाइए। थैंक यू। बीच में अभी कोलकाता से आया हुआ एक कपल, जिनको आज मनाली में घूम के, हिमाचल प्रदेश के मनाली में घूम के बहुत अच्छा लगा, और इस मंदिर में आके। आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं कुछ और यहाँ पे श्रद्धालुओं से, छोटी नन्नी परियों के ग्रुप से, जो अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, जो भी उनका सारा ग्रुप यहाँ हडिम्बा माता के मंदिर में घूमने आया, मनाली घूमने आए। तो हम उनसे जानेंगे वो कहाँ से हैं और यहाँ मनाली में पहली बार आए हैं, क्या मंदिर में पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए थे, और उनको यहाँ आके कैसा लगा। तो आप सब थोड़ा सा फटाफट अपने नाम बताएंगे। हेलो, माय नेम इज ज्योति, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, आई एम आल्सो फ्रॉम दिल्ली एंड माय नेम इज पूजा। हाय, आई एम दीपिका एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। वाओ, माय नेम इज अवंतिका एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा। वाओ, आई एम प्रीति फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। माय नेम इज संजू यादव एंड आई एम आल्सो फ्रॉम दिल्ली। माय नेम इज कोमल एंड आई एम आल्सो इन फ्रॉम दिल्ली। माय नेम इज वर्षा शर्मा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिस इज रोशनी नेगी फ्रॉम गाजीपुर। वाओ, तो क्या आप लोग पहली बार हिमाचल आए हो? वाले, और कितने दिनों से आप टूर पे हो? 3 दिन हो चुके हैं। क्या 3 दिन से आप मनाली में ही हो? वाओ, कैसा लग रहा है मनाली में घूमने? बढ़िया। इतना सैड सा बढ़िया बोला, ऐसा थोड़ा।
अच्छा अभी और कितने दिन रहने का इरादा है? आज निकल रहे हो? मन नहीं कर रहा मगर फिर भी जाना है। जाना है? अच्छा आप थोड़ा सा हरिम्बा माता के मंदिर में जिसके बाहर आप अभी खड़े हो, क्या उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? Yeah, it's a very nice historical place and we are very happy to come here. There is a story behind this temple. Usually in this board there is a written something on that Hidimba Devi. It is like that ki Hidimba Devi jo hai wo Bhim ki patni thi aur unke bare mein bataya gaya hai ki jo ye pura mandir hai ye 8 feet tak uncha hai 80 feet tak uncha hai aur jo baramda hai iske around mein wo 12 feet तक का है और अंदर इसमें बताया गया है कि उनकी जो छोटी सी एक मूर्ति है जो कि बहुत सुंदर है, अभी हमने जाके देखा और अंदर मतलब जो एनिमल्स थे उस टाइम के वाइल्ड एनिमल्स थे उनका उनकी पिक्चर्स और सीन वगैरह सब कुछ ये सब डिस्प्ले किया हुआ है। दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस। ओके तो आप जो हमारे आस के लोग हैं आप सब जानते हैं हमारे बच्चे हैं वो इन चीज़ों से दूर भागते हैं। yes. मंदिरों से भगवान से उनको विश्वास नहीं है कि ये चीज़ें होती है, तो उनके लिए आप सब क्या मैसेज छोड़ना चाहते हो? ये कि हमें बिलीव रखना चाहिए बट क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ था, तभी हर जगह इतने सारे टेंपल्स और इतनी मान्यता। थैंक यू। और उसके बाद आप एक मैसेज मनाली के लिए और उसके यहाँ की खूबसूरती के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हजारों अरबों साल इसकी खूबसूरती ऐसी ही रहे, बरकरार रहे और हम आते रहे। And please don't ruin the forest because it's too beautiful. That is, this place is a very very picturesque place. Thank you and all the best आप सब परियों के लिए। Thank you. अगर आप हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं नए मोबाइल की स्पेसिफिकेशन फीचर्स और उनके अपडेट्स के लिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।